हलचल टीवी न्यूज। फिल्म पगड़ी को हरियाणा में लोगों तक पहुंचाने के लिए उसकी प्रमोशन पर फिल्म के कलाकार व डायरेक्टर यमुनानगर के डीएवी कॉलेज पहुंचे और अपनी फिल्म की कहानी के साथ 2 मिनट का ट्रेलर भी दर्शकों को दिखाया और उन्होंने कहा है कि इस फिल्म में आज की फिल्मों से हटकर दिखाने की कोशिश की गई है। जिस चीज की जरूरत है, जितनी जरूरत है, उतना ही इस फिल्म में दिखाया गया है, ना कि फिल्म को हिट करने के लिए आइटम सॉन्ग डाला गया है। ये एक ऐसी फिल्म है जो बच्चे से लेकर बूढ़े एक साथ बैठकर देख सकते हैं। पगड़ी एक मान है और सम्मान है और इसी को दिखाने की कोशिश की गई है। तो वहीं अभिनेता यशपाल ने हरियाणा में हुए जाट आरक्षण पर एक कविता भी सुनाई और अपनी फिल्म से जुड़े डायलॉग भी सुनाए। इस मौके फिल्म के कलाकारों ने फिल्म के बारे में लोगों को जानकारी भी दी। पता चल जाता है कि ये मान सम्मान का प्रतीक है और हम पूरा समाज मैक्सिमम टाइम अपने मान सम्मान का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन जब दूसरे के मान सम्मान की बारी आती है तो हम भूल जाते हैं कि उसका भी कोई मान सम्मान है। तो मेरी फिल्म ये बताती है कि हमें अपने मान सम्मान के अलावा जो दूसरे लोग हैं, जो सामने हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी देखना चाहिए और उनके मान सम्मान का भी ख्याल रखना चाहिए। तो जो ये भाईचारा धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है वो बरकरार रहेगा और समाज जो है बेटर होगा। तो ये संदेश देती है। नहीं, अलग से क्या, हम तो फिल्म बना सकते हैं, उसके बाद अगर दर्शकों ने साथ दिया तो ये एक जो है मुहिम शुरू हो जाएगी अच्छी फिल्मों के आने की और एक मूवमेंट शुरू हो जाएगी। लोग इससे इंस्पायर होके ऑलरेडी बहुत सारी फिल्में बनना शुरू हो गई हैं, कुछ कंप्लीट हो गई हैं। सतरंगी अभी, उसको भी नेशनल अवार्ड मिला, वो क्लासमेट संदीप शर्मा की फिल्म है। तो ऑलरेडी पगड़ी ने अभी रिलीज भी नहीं और इंस्पायर करना शुरू किया, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब दर्शक अगर इसको पसंद करते हैं तो फिर और बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी हमारे लिए, हमारा हौसला बढ़ेगा और हम और बेहतर सिनेमा क्रिएट करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, टैक्स फ्री लगभग एक साल पहले इसको टैक्स फ्री कर दिया गया था और बहुत अच्छी बात है। और ये फैमिली फिल्म है, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ देखी जा सकती है और टैक्स फ्री भी है। आप अगर इकट्ठे भी जा रहे हो तो मतलब आपकी जेब का भी ख्याल रखा है। बिल्कुल तैयार। देखो, कोई भी ना स्पून फीडिंग नहीं कर सकता है, ना ही उंगली पकड़ के चल सकता है, किसी को चला सकता है। हम एक आइडिया और एक विचार को फैला सकते हैं और आज आपके अंदर अगर टैलेंट है तो आप 2000 रुपये में भी फिल्म बना सकते हैं। आप 2 मिनट की फिल्म बना लीजिए मोबाइल पे। आज तो घर घर में मोबाइल है, उसी में एडिटिंग भी है, म्यूजिक भी डाल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। आपके पास आइडिया स्ट्रांग होना चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। आज इतना सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो चुका है, हम उनको बढ़ावा देंगे कि ऐसी फिल्में बनाना शुरू करो और ऐसी फिल्मों के दर्शक पैदा करो, ताकि जो फुहड़ता और डबल मीनिंग के डायलॉग, नंगापन, जो गालियां या जो बेतुकी कहानियां, सिर्फ किसी को बस पर्दे पे आना है इसलिए आना, ये सब चीज़ें खत्म हो जाएं और जो भी फिल्म बने पर्पसफुल बने, उसका कोई थीम हो, उसका कोई लक्ष्य हो, उसमें कोई इशू हो, उसमें कोई बात हो, कुछ अगर कोई बात नहीं है तो मनोरंजन हो कम से कम, और सशक्त सिचुएशनल कॉमेडी हो, सिचुएशनल वो हो, हंसी आए, जिससे किसी का मजाक उड़ाया ना जाए, मजाक किया जाए, हंसा जाए और हंसाया जाए। नहीं, कोई गालियां किसी में भी नहीं थी, बताइए कुछ में गालियां थी? गालियां नहीं थी, कहां है बताओ, एक भी गाली बता दो। है यमुनानगर से हलचल टीवी के लिए विनोद दीमान की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज़।